गोप्यरु अगोप्य विंशति अध्याय महातत्व प्रथम भाग ईश्वर परमात्मांकर अन्य नाम परम ब्रह्म ब्रह्म शक्ति सर्वस्थान काले सार्वभौम ब्रह्मंकर स्वरूप जे निर्गुण निर्लिप्त अनादि अनंत अक्षर ओ कालातीत ब्रह्मंक मानसे सृष्टि इच्छा जेबे हुए से इच्छा महातत्वर रूप धरी थाए। महातत्व प्रकृतिर सूक्ष्मतम ज्ञान सृष्टि कल्पना बुद्धिर प्रथम स्फुरण चैतन्यरु शक्ति जेबे अलगा न थाए मिलित शक्ति को महातत्व बोला जाए। ईश्वर नामरे मध्य महातत्व ख्यात सगुण हेले भी ईश्वर जे गुणातीत ब्रह्मंक स्वरूप चिंता सृष्टि कला गुण ईश्वर से गुण विकारर परिणाम महातत्व जेते बेले सृष्टिकामी हेले ईश्वर ही पुरुष ओ प्रकृति बनिले आदिस्थिति बा आदितत्व जे महातत्व महातत्वरु जन्मिला विश्वकारी तत्व गुणयुक्त हेले भी ईश्वर क्रियाहीन निजरे ही समाहित धरि निज गुण ईश्वर ठारुजात महाशक्ति प्रकृति शिव बा पुरुष जार चैतन्य शक्ति विंशति अध्याय महातत्व द्वितीय भाग त्रिगुणर खेल ब्रह्मंक गर्भरु जात आदि महातत्व प्रकटित विश्व समूहर मूलतत्व महातत्व ठारु प्रकृति शक्ति जन्मित सत्व रजतम त्रिगुणरे विभाजित महातत्व ठारु अहं तत्वर जन्म बुद्धितत्व अबादि चैतन्यता नाम महातत्वे त्रिगुण थाए समानतारे सत्व रज पुणितम गुण त्रिपकरे एक गुणरे घटई जेबे बेशी कम मूल प्रकृतिरे घटी थाए व्यतिक्रम जेतेबेले एक गुणर प्राबल्य घटे प्रकृति बा माया बा शक्तिर रूप फुटे त्रिगुणर समतारे बने नाही सृष्टि असमता करिथाए जगतर सृष्टि एक गुणर प्राबल्य सृष्टि करे अहम तीनि गुणर समता सृष्टि करे इदम अहम एक अर्थरे निजे मु संपूर्ण इदम्र अर्थ सभीक साथे एक प्राण ब्रह्म ही स्वयं संपूर्ण निज स्वरूपरे प्रकृति को गढ़िले भी प्रकृति ऊर्ध्वरे ब्रह्म अहंकार ठारु जागे जे प्रकृति विश्व गठनकारी से प्रकृतिर शक्ति महातत्व ठारु अहं तत्व हुए जात अहं तत्वरु आकाश हुए सृजित अहंकार हेतु ब्रह्म अनेक होइले स्वेच्छारे अरूप ब्रह्म रूपवान हेले जेबेले प्रबल हुए रजोगुणी द्रव्य सेतेबेले प्रकृति होइथाए विक्षुब्ध रज असमानता आणे समानतारे असंतुलन घटिथाए तीनि गुणरे रजगुण सत्वगुण ठारु तमसकु अलगा करे गढ़िबा पाई ब्रह्मांड को सत्व साथे तमगुणर जेऊ प्रभेद धनात्मक ओ ऋणात्मकर सेही विभेद रज निजकु मिसाए सत्व ओ तमरे उभयंक मध्यरे संघर्ष जात करे दुई तत्व बिना सृष्टिर नुहे सृजन द्वंद्वात्मक सृष्टिर मूले ही कारण अद्वैत ब्रह्म प्रथमे द्वैत रूप धरे द्वैतरु प्रकटे सहस्र शीर्ष रूपरे एकरु असंख्य रूपे ब्रह्म प्रकटिले
असंख्य दृश्य अदृश्य विश्व को गढ़िले। विंशति अध्याय महातत्व तृतीय भाग शुक्लाणु और कृष्णाणु। प्रति तारे अबा विश्व सदा काले श्वेत ओ कृष्ण अणुर मध्य द्वंद चले। श्वेत ओ कृष्ण रेणुरे गुणर विभेद श्वेतर सोम ओ कृष्णर अंगिरा तत्व। दुहिंकर भितरे संघर्ष हुए जात एक तत्व अपर को करे अभिभूत। संबंध बनिले दुई विरोधी तत्वर बनी थाए संबंध नव एक प्रकार। प्रबल हुए जेबे एक वस्तुर तत्व अपर वस्तु को करी थाए आच्छादित। परिपूरक बनिले दुई गोटी तत्व नवीन पदार्थ एक हुई सृजित। सोम तत्व ज्वलन रे अंगार जे बने सोम तत्वर शुक्लाणु कृष्ण अणु बने। ज्वलन परे अंगार बनी थाए सोम उज्जान जे प्रकार बने हिलियम। एक तत्व ठारू एक तत्व हुए जात तत्व साथे तत्व मिसी बड़े नव तत्व। आकाश तत्व रुजन मिला वायु तत्व वायु तत्व ठारू जात हेला अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ठारू जल तत्व जे जन्मिला जल तत्व ठारू स्थल तत्व जन्मिला।